ऐसी जगह पे जा जाके फोटो खींचता होगा, मतलब वीडियो लेता जहाँ पे ऐसे हाथ फैला के मजा आता है पूरे तेरी। गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। एंड फाइनली अभी हम दोनों निकल रहे हैं। चलिए हाँ चलते चलते बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। हमार तीनटे मास्क नहीं बैगर भेतरे। आज पहली बार ये बैग यूज होने वाला है। उस दिन सोच रही थी इसका क्या करें। तो गाइज अब हम निकल चुके हैं सफारी के लिए और हमारे साथ हैं हसन साहब। हेलो हाउ आर यू। तो हसन साहब हमें एक तो पहले डिज़र्ट ले जाएंगे, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट डून में जाएंगे, राइट? तो हसन साहब आप पाकिस्तान से हैं, राइट? जी जी, पाकिस्तान कराची। हाँ जी, पाकिस्तान कराची से। आप कितने साल से कर रहे हैं ये डिज़र्ट सफारी का? जी ज़्यादा नहीं, कुछ 13-14 साल हो गए। अच्छा 13-14 साल ज़्यादा नहीं है। बट ऐसा लगता है हर दिन आज पहला दिन है। आप लोगों का तो स्पेशल लाइसेंस भी? हाँ जी, ऑफ रोड का अलग से लाइसेंस होता है और लाइसेंस इसका लाइसेंस जो है वो मास्टर की डिग्री से ज्यादा अहमियत है। चलो मतलब हम लोग किस्मत वाले हैं, चलो अच्छे एक्सपीरियंस बनते हैं। नहीं, आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता लवली, बट जब आप का टूर फिनिश हो, जब आप कहिए हाँ कैसा था, फिर आप रिव्यू दीजिएगा। इसको बोल के भी समझा नहीं सकते, इसको फील करना पड़ता। इसको फील करना पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन आई एम श्योर आपका टूर मेमोरेबल टूर होगा। Thank you.
look at your right hand side, the red sand starts from this place. You look at your right hand side, there's a different color of the sand. From here towards Oman, all the red sand. We are going for desert safari in the red sand. और आज तो कुछ एडवांस हो गया है ना. आज हम लोग पंचमेड अभी पहुंच गए. एक्चुअली ये शेयरिंग कैब है तो हमारे साथ और भी चार बंदे हैं. दो थे देहरा से और देहरा था ना वो. वाओ कितना अच्छा हवा चल रहा है यार. हाँ मौसम अच्छा हो गया है. रात को तो और भी ठंडा ठंडा होगा. तो हाँ, हम पहले देहरा गोल्ड शॉप के पास गए थे और उसके फिर वहाँ से हम लोग गए पाम जुमेरा अटलांटिस के पास गए थे. वहाँ से दो जन आए हैं पर हमारे साथ कौन है हम उतना अभी तक दिखा नहीं रहे हैं कि क्योंकि ऐसे ही किसी का वीडियो नहीं, नहीं लेना चाहिए. कैसा हुआ अच्छा लग रहा है. नो थैंक यू. नो नो इट्स ओके मैन थैंक यू. वो लड़की चला रही कितना अच्छा लग रहा है. मुझे नहीं जाना. बिल्कुल पति पत्नी चला रहे बैठ के कितना अच्छा लग रहा है. यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज है ना ये लगभग ये अभी 30 मिनट तक ऐसा ही चलेगा. तो धूप में ऐसे 30 मिनट तक ऐसे जलना है क्या. मुझे नहीं जाना. इससे पहले कि हम सैंड डून के लिए जाए उन्होंने बस 30 मिनट्स का यहाँ पे ब्रेक दिया है. जो हमारे साथ थे ना उनमें से सिर्फ दो ही गए हैं ये बाइक राइड के लिए. बाकी दो लड़कियां हैं वो शायद स्पेनिश है दोनों. तो आज मतलब सामने तो खड़े हैं वो लोग. हाँ आज अलग अलग जगह से लोग हैं. अभी हम दोनों इंडिया से हैं जो कि आपको नहीं पता था. नहीं बोलते तो आपको कैसे पता चलता. फिर दो स्पेनिश हैं दो अफ्रीकन हैं तो सब मिला के आए हैं. और जो हमारे ड्राइवर हैं वो है पाकिस्तान से. तो कितने सारे मतलब अलग अलग जगह के लोग हम लोग साथ में आए हैं. और सब लोग यहाँ पे जो लोग चला रहे हैं वो चला रहे हैं. जो लोग नहीं चला रहे वो लोग देख के आंखें सेक रहे हैं. चलो हम भी थोड़ा सा आंखें सेकते हैं. बेचारा सौरभ वो थोड़ा सा अपसेट है कि मैं क्यों नहीं गई. भाई ये तो डेजर्ट सफारी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ये नहीं जाना मुझे. धूप तो बस बहाना है. कंजूस हूँ ना मैं. बाइक ना चला के हम लोग कितने रोमांटिक जगह पे बैठे हुए हैं. रेगिस्तान के बीच में ऐसे पेड़ हैं. पेड़ के नीचे बैठना ये ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. वैसे भी हम लोग है ना डिजर्ट सफारी के बाद है ना घर पहुंच के ना इतने थकने वाले हैं. रात को बस इधर कुत्ते जैसे सोएंगे. सुबह घर के उठेंगे. मैं तो फिर भी ज़्यादा सो सकती हूँ. तुम्हें तो ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा. अब सौरभ की कंपनी में ना वो सैटरडे को छुट्टी नहीं मिलता. उसको सिर्फ एक ही दिन छुट्टी है फ्राइडे. अब क्या करें. जो लोग लकी होते हैं उनको दो दिन मिलता है. यहाँ पे दूर से दिखा रही हूँ. ये जो दोनों खड़ी हैं देवी जी ये दोनों देवियाँ हमारे साथ आई हैं. सूरज और इसके ऊपर ये बादल कितना अच्छा लग रहा है. ये बादल के ऊपर से ना ऐसे ऐसे लाइट निकल रहा है. पता नहीं कैमरे में कितना समझ में आ रहा होगा. कैसा लग रहा है कि बादल के पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है. हमारे साथ जो थे वो किधर गए. ये हमारे पीछे खड़े हैं. जो लोग चला रहे हैं वो किधर गए पता नहीं. हमारे साथ जो ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने कहा कि भाई जोर से चला के कहीं रेगिस्तान के बीच मत पहुंच जाना.
जिसमें हम आए हैं। और गाइस मजाक मजाक, अभी हम लोग थोड़े रेगिस्तान के बीच में रुके हैं। ये एक फोटोशूट पॉइंट है, यहाँ पे सब लोग अपना अपना सेल्फी ले रहे हैं और जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी थोड़ा फोटो खींच के भी देते हैं, तो बस वही चल रहा है वहाँ पे। देखिए वहाँ पीछे फोटोशूट चल रहा है। और हमें लग रहा था कि वो लोग क्या कह रही थी मैं, हाँ स्पेन से है, स्पेनिश है, लेकिन मैंने अभी बात किया कार में उनके साथ तो वो स्पेनिश नहीं है, वो जर्मनी से है। ये बाल तो थोड़े उड़ते ही रहेंगे, उसका क्या कुछ नहीं हो सकता। बस यहाँ के आसपास देखो, मेरे बाल को इग्नोर मारो और बस पीछे देखो, देखो क्या क्या मस्त कपड़ा पहन के आई हो। वही तो मैं कह रही हूँ, लहरा रहे हैं उसके कपड़े। ऐसे किसी कपड़े के ऊपर मतलब कमेंट मत करो, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है यार, इट्स नाइस, मैं अच्छा बोल रहा हूँ। फिर मुझे भी पहन के आना चाहिए था। और क्या, मेरे पास एक पिंक वाला था ना, ऐसा नहीं, साड़ी पहन के आना था ना, फिर हमें शूटिंग करते, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। That was our photo session. खचाक 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 करके आ गया होगा स्क्रीन पे। उन्होंने कुछ फोटो खींच के दिया है जो कि अमेजिंग है। और अभी पहली बार हम लोग हमारा थोबड़ा दिखा रहे हैं रेगिस्तान में आने के बाद, अभी तक मास्क में थे। हम लोग वहाँ जा रहे हैं सूरज के पास। और देखिए चारों तरफ का नजारा कितना खूबसूरत है, वाओ, रेड रेड सैंड। और गाइस अभी हम लोग काफी दूर निकल गए हैं, वो रहा हमारा कार और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ये सन का नजारा देखने। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना हमें खजाना मिला है, पता है, यहाँ पे चारों तरफ खजाना ही खजाना है। खजाना कैमल की पोटी। कैमल का फोटो, जहाँ जहाँ से कैमल गुजरा है वहाँ वहाँ निशानी, पैर की निशानी। हाँ, निशानी छोड़ छोड़ के गया है कैमल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ दुबई में डिजर्ट सफारी के लिए ना आपको किसी ट्रैवल एजेंट से बात करके अच्छा वाला बुकिंग करना चाहिए, ऐसे ही रैंडम आपको ऑनलाइन में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और सस्ते वाले में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो 50 दिरहम वाला ऐसा भी मिलता है, उस सब में नहीं जाना चाहिए। वो लोग ना कैसे वाइट वाले सैंड की जगह लेके जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हम जहाँ पे आए हैं ये पूरा रेड सैंड है, बहुत खूबसूरत है। देखिए ये जो सैंड में निशान बने हैं ना, ये सारे हवा की वजह से है। हाँ ऐसा 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 ऐसा, और उसके बीच में ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ये ऊँट चल के गया है इधर से, इसलिए ऊँट के पैरों की निशान। और ये देखिए पूरा मतलब जहाँ पर भी टीला है ना, इसको टीला बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे लैला मजनू का शूटिंग हो सकता है ना। हाँ लैला मजनू वाला शूटिंग। वो क्या हवा चल रही है, क्यों चलती है पवन। शाहरुख खान सच में ऐसी जगह पे जा जाके फोटो खींचता होगा, मतलब वीडियो लेता जहाँ पे ऐसे हाथ फैला के मजा आता है पूरे तेरी। वहाँ पे हमारे पास से एक गाड़ी गुजरा, जी तो कर रहा है कि यहीं पे रुक जाए, पर रुक तो नहीं सकते ना, जाना पड़ेगा। अभी ना एक दो बूंद बारिश गिर रही है वैसे यार। ना आप चाहे तो कैंपिंग ही कर सकते हैं, उसका अलग एक्स्ट्रा खर्चा आता है। हाँ रात को स्टे कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, बम्बुला के तंबू नहीं गाड़ सकते। यू कैन रीड योर फेवरेट बुक्स, यू कैन वॉच योर फेवरेट मूवीज एंड हैव बीबीक्यू एट नाइट एंड स्लीप एंड एंजॉय। अच्छा अभी रेगिस्तान में आके लोग कैंप में रहेंगे तब भी मूवी देखेंगे, हाँ कुछ नया करेंगे या फिर डांस करेंगे आग जला के। हाँ आग जला के डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ पे थे, अभी देखिए पीछे हमारे पैर के निशान, और अभी हम लोग हमारे वो कार के पास जा रहे हैं, वो ऊँचे में है, हम लोग नीचे में खड़े हुए हैं। और देखिए अब पीछे से ये बारिश गिर रही है, ये देखो वृष्टि बहुत है, बारिश शुरू हो गई है। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस रेत के ऊपर बारिश की बूंदे। नहीं खुद एना
परमेश्वर लग रहे हो, कैसे तुम्हारे ऊपर बादल है और ऐसे करो पू पति परमेश्वर अभी फिर से मास्क पहन लो और क्या मास्क पहन पर क्या वापस